हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास फोर्थ ऑफ ईवीएस। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन लेसन नंबर 3, स्पार्कलिंग टीथ। यस, यू कैन सी देर आर मदर एंड हर लिटिल डॉटर। ओके, सो अ लिटिल डॉटर सेज टू हर मदर, व्हाट शी सेज? मदर, यू नो पारुल्स फादर इज अ डेंटिस्ट। मामा, क्या आप जानती हो कि पारुल के जो पापा हैं वो डेंटिस्ट हैं? ही केम टू आवर क्लास टुडे, वो आज हमारी क्लास में आए एंड गिव अ टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ। और आज हमें उन्होंने टीथ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। नाउ आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट कीपिंग माई टीथ क्लीन। अब मैं भी मेरे टीथ को क्लीन करने के बारे में ध्यान रखूँगी एंड अब मैं भी उसके लिए केयरफुल हूँ। You are my smart daughter। उसकी मामा ने उसे कहा कि तुम एक मेरी स्मार्ट डॉटर हो। टीथ, ओके, अब टीथ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिमेंबर, वी आर गोइंग टू रीड, सो यू हैव टू पुट योर फिंगर। आवर टीथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे जो टीथ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड हार्ड लाइक बॉन्स, इतने हार्ड हैं जैसे बॉन्स होती है। टीथ आर यूज फॉर च्यूइंग, बाइटिंग, टियरिंग, कटिंग द फूड इन टू स्मॉल पीसेस। अब टीथ का यूज़ क्या है? टीथ का यूज़ ये है कि ये च्यू करने में, बाइट करने में, टीयर करने में और कट करने में, फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने में ये यूज़फुल है। आवर टीथ ब्रेक अप द फूड टू मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। टीथ जो है वो फूड आइटम को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कट कर देते हैं, जिससे ये इनको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। इट आल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग अप्रोप्रिएटली एंड गिव आवर फेस अ ब्यूटीफुल लुक। ये हमारी बोलने में मदद करते हैं और ये हमारा जो फेस है ना, इनकी वजह से बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप हो जाती है हमारे फेस की। हाँ, और स्पीकिंग की हम बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो उसमें टीथ का यूज़ होता है, जैसे त, थ, ध, हम बोलते ना, तो इस तरह हिंदी में बोलते हैं ऐसे वर्ड्स, तो इनमें हम टीथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बोल के देख सकते हो, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपकी जो टंग है वो टीथ पर टच हो रही है। यस, ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच चेंज विद एज। ह्यूमन बींग्स के अलग अलग तरह के टीथ होते हैं जो एज के साथ साथ जिनकी स्ट्रक्चर चेंज भी होती है। द टीथ वी हैड व्हेन वी वर अ बेबी आर सेम विच वी हैव नाउ। टीथ, हमारे जो टीथ्स हैं, तो जब हम बहुत छोटे थे, बेबी थे, है ना, बच्चे थे, तो उस वक्त के जो टीथ थे वैसे टीथ अब नहीं है, है ना, वो उनमें चेंजेस आए हैं। किस तरह के चेंजेस आए हैं तो हम देखेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ इन दियर लाइफ स्पान। एक ह्यूमन बींग की जो लाइफ होती है उसमें जो टीथ है वो उसके टू सेट्स जो है वो आते हैं, टू सेट्स लगते हैं। कैसे लगते हैं? मिल्क टीथ ये होते हैं, इनकी नंबरिंग होती है अबाउट 20। कितने होते हैं? लगभग 20 टीथ होते हैं। द फर्स्ट सेट, ये पहला सेट होता है टीथ का ह्यूमन बींग में जब वो छोटा बेबी होता है। सिक्स मंथ के बाद एक बेबी के जो है टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको हम बेबी टीथ भी कहते हैं, और बेबी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और डेसिड्यूस टीथ भी कहते हैं। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर वेरी यंग। ये कब लगते हैं? जब बहुत छोटे होते हैं। दे बिगेन टू ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ, बट इनके स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 6 मंथ से 8 मंथ के बीच में हो जाती है। बट वी सून बिगेन टू लूज देम, लेकिन ये जल्दी ही गिरने लगते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर, जब हम 6 to 13 ईयर्स की एज के बीच में एक एक करके ये जो दूध के दांत होते हैं, इसे हम दूध के दांत बोलते हैं, है ना, तो ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। परमानेंट टीथ, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं वो लाइफ टाइम चलते हैं और इनकी नंबरिंग होती है अबाउट 32 टीथ होते हैं ये। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ परमानेंट टीथ। जो बेबी टीथ जो होते हैं उसके उनके टूटने के बाद जो दूसरा सेट है ना हमारे जाज में एंटर होता है, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, इट कम्स आफ्टर वी लॉस आवर मिल्क टीथ। ये कब आते हैं? जब हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं। दिस कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 66 to 17
ईयर्स, मैंने आपको बताया 6 to 8 ईयर्स, 6 to 13 ईयर्स के बीच में ये टूटने लग जाते हैं मिल्क टीथ। तो उसके बाद जो टीथ इमर्ज होते हैं, जैसे 6 to 17 ईयर्स के बीच में, वो होते हैं 32 टीथ, और वो होते हैं परमानेंट सेट, वो एक परमानेंट सेट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के अलग अलग टाइप, इंसीजर्स, इंसीजर्स हम इसके साथ साथ इस डायग्राम को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, दीज टीथ आर फाउंड इन फ्रंट, इंसीजर्स जो होते हैं वो फ्रंट में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो अपने अपने मुंह माउथ में भी ऐसा होगा कि इंसीजर्स होंगे। द इंसीजर्स आर शेप्ड विथ शार्प, ये शार्प होते हैं, स्ट्रेट इनका जो किनारा होता है, कॉर्नर होता है, वो स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से टू कट एंड बाइट द फूड, ये हम फूड को कट और बाइट करते हैं। कैनीज, कैनीज क्या होते हैं, कैनीज आर इन द कॉर्नर्स ऑफ अवर माउथ, ऐसे यहाँ इस तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, और दे आर पॉइंटेड, ये पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, एंड आर यूज टू टीयर, और इनका यूज होता है कि फूड आइटम जो है उसको टीयर करने में और चॉप करने में, है ना, उस फूड आइटम को चॉप और टीयर करने में, टीयर से आप यूज़ में ले सकते हो। कई बार आपको कोई रेपर जो है उसको फाड़ना होता है तो आप अक्सर उस कैनीज का ही यूज़ करते हो। प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा, हर जा में 2 इस तरफ और 2 इस तरफ एंड 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, इस तरह से 4 प्रीमोलर्स ऊपर होते हैं, 4 प्रीमोलर्स नीचे दोनों जाने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दे आर नेक्स्ट टू कैनीज, कैनीज के जस्ट बाद होते हैं यहाँ, है ना, कैनीज के जस्ट बाद होते हैं ये। नेक्स्ट, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये ब्रॉड यानी चौड़े और फ्लैट टीथ, फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं। दिस टीथ हेल्प पर्सन क्रैकिंग फूड, ये फ्रूट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, और ये इनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। मॉलर्स, मॉलर्स क्या होते हैं, द मॉलर्स आर द लास्ट टूवर्ड्स द बैक ऑफ अवर माउथ, हमारे माउथ के सबसे लास्ट में जो ये टीथ होते हैं ये होते हैं मॉलर्स, इनको मॉलर्स कहा जाता है। मॉलर्स आर बिगर एंड हैव फ्लैटर च्यूइंग सरफेस, ये बड़े भी होते हैं और फ्लैट सरफेस भी इनका होता है। बिकॉज देयर पर्पज़ इज़ टू च्यू, क्योंकि इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना, बिल्कुल मसल कर रख देना, है ना, इंटू स्माइलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। द लास्ट मॉलर टूथ ईच साइड ऑफ द जा इज कॉल्ड विजडम टूथ, हर जॉ में जो लास्ट का जो टीथ होता है उसे मॉलर टूथ कहा जाता है, और इसे मैं आपको बता दूँ विजडम टूथ भी कहा जाता है। हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है ना उसमें यूज़ करते हैं हम कई बार अक्कल दांत। ठीक है, अक्कल दांत का मतलब ये नहीं कि वो हमारी विजडम, वो बुद्धि बाद में आती है, ऐसा नहीं होता है, ये टूथ का नेम होता है हमारी जनरल लैंग्वेज में, है ना। विच इरप्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 17 to 25, और इन सम केसेस मे नेवर करप्ट, कई बार तो ये इनकी जो इनका जो फॉर्मेशन होती है इनकी, हाँ, इनका जो इमर्जन होता है वो होता है 17 से 25 ईयर की एज के बीच में, और कई बार तो ये कुछ लोगों के तो इस तरह की टीथ आते भी नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी टाइम, यहाँ एक एक्टिविटी है, इसमें 12 नंबर प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो ये रहे। ठीक है, ये 12 नंबर प्लेइंग कार्ड्स हैं, और इसके इससे एक एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं, नीचे दिखाई गई है, कॉइन वगैरह गैदर करने हैं, स्मॉल टोकन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद है पार्ट्स ऑफ टूथ, टूथ के पार्ट। अ टूथ इज़ लाइक अ ट्री, टूथ जो है वो ट्री की तरह होता है, विद ओनली अपर पार्ट इज विजिबल, इसका ओनली ऊपर का पार्ट दिखाई देता है हमें, ये वाइट वाइट पार्ट ही तो दिखाई देता है इसका, है ना, अपर पार्ट इसका ओनली दिखाई देता है। द रूट्स ऑफ अवर टूथ आर एक्सटेंडेड इन अवर गम्स, हमारी जो इसकी टूथ की जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती है वो गम्स के अंदर होती है, गम्स से कवर्ड होती है, बियॉन्ड इनटू द जॉ बोन्स, और जॉ बोन्स जो होती है उसके अंदर फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, द क्राउन, क्राउन क्या है, द क्राउन इज वॉट वी सी वेन वी स्माइल और ओपन अवर माउथ, क्राउन क्या होते हैं, जो सबसे आगे आगे होता है ना, हाँ, तो हम जब हंसते हैं तो सबसे सामने जो दिखाई देते हैं, तो दिस पार्ट इज अबव, ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है अवर गुमलिन, हमारे गम के ऊपर, उसे कहते हैं क्राउन। द रूट, द रूट इज बिलो द गम लाइन, हमारे जो गम्स होते हैं उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में होते हैं, नीचे होते हैं गम्स में। इट मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ द टूथ टोटल लेंथ,
यस हमारे टूथ की जो टोटल लेंथ है उसके टू थर्ड पार्ट में ये टोटल इनका होता है। ईच टूथ इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टिश्यूज, हर टूथ जो होता है अलग अलग तरह के चार टिश्यूज से बना हुआ होता है। दे आर इनेमल, डेंटिन, पल्प एंड बोन, ठीक है, इन चार टिश्यूज से मिलकर बना होता है। द आउटर लेयर कॉल्ड इनेमल, इसकी जो आउटर लेयर होती है आप देख सकते हो ये वाइट वाइट पार्ट जो हमें दिखाई देता है ना, इसे हम कहते हैं इनेमल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, यस, इनेमल इज मेड अप ऑफ हार्ड क्रिस्टल से बना हुआ होता है ये। द इनेमल इज द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ ऑल एंड हैज़ अ वाइट कवरिंग, इसके ऊपर वाइट कवर होता है, ये लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑफ चूइंग द नेक्स्ट, ये चू करने में, टीयर करने में फूड को, ये टूथ को प्रोटेक्ट किए हुए रहता है। द नेक्स्ट लेयर डेंटाइन इज बिट सॉफ्टर, और नेक्स्ट लेयर जो होती है वो इससे थोड़ी सॉफ्ट होती है। द पल्प इज इन द मिडल ऑफ द टूथ, पल्प जो है वो टूथ के मिडल में होता है। इट कंटेन द नर्वस एंड ब्लड वेसल्स, इसी में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्वसेस है वो इसमें होती है। दैट कंडक्ट सेंसेशन ऑफ हॉट कोल्ड एंड पेन, और उसी की, ये जो नर्वस होती है ना और ब्लड वेसल्स, उसी की वजह से हम फील कर पाते हैं कि हमने जो खाया है वो बहुत ज़्यादा गर्म लगा या बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, या कई बार हमें पेन भी होता है तो उन्हीं की वजह से होता है। ओके, यस, यहाँ पर है टीथ के पार्ट्स को आपको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है कैनीज, सेकेंड प्रीमोलर्स, थर्ड, यस, लास्ट सी इज दैट कैनीज, फर्स्ट इज इन सी, यस यू कैन सी हियर, फर्स्ट दैट इज लास्ट, देयर इज अ ए इज कैनीज, ओके, सेकेंड इज प्रीमोलर्स एंड सी इज इनसीजर्स एंड डी इज मोलर्स, ओके, वी हैव डन, यस, आज अभी हम इस चैप्टर को यहीं तक स्टडी करेंगे। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय।